तो हम मदीना हैं। गाजी आपके दोस्त होते हैं, उसने कहा था कि आप जैसे ही मदीना हो तो मुझे फ़ोन कर। बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। पहले तो मैं मदीना आया हूँ, मैं ज़्यारत करूँगा। तो ये फोटोज के लिए होगा कैमरा, देखो टूटा हुआ। तो गाइस मैं पिछले 8 घंटे से जाग रहा हूँ और मैं आया हूँ मदीना, मदीना ज़ियारत करने। तुम्हारे बाल नहीं चाह रहे, टोपी पहन लो। और जैसे ही मेरी बेइज्जती हुई मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बात कैसे करूँ। सही है। तो गाइस मैं पिछले 8 घंटे से जाग रहा हूँ, हम आए मदीना। मदीना कर लूँगा। कौन से शहर होते हैं मदीना? सुकून दे, क्या होता है? क्यों आया हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़ियारत करूँगा। हाँ तो हम मदीना आए। तो गाइस मेरा मानना है आप जब कैमरा लेते हो ना, पहले कैमरा के पैसे निकालो, उससे आप कमाई कर लो, फिर फ़ायदा करो। ऐसे ही कैमरा उठा के व्लॉगिंग करना रोड पे अच्छा नहीं होता। तो मैं आज आया हूँ आप लोगों को दिखाने कि कैमरा से कैसे कमाया जाता है, लेकिन उससे पहले हम मदीना है तो ज़्यारत तो बनती है ना। तो गाइस इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल हमामा, और इसी मस्जिद में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ईद की नमाज पढ़ी थी सन 631 में। अब इस पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन ये एक तारीखी मस्जिद है, जो भी बाहर से आते हैं इसको देखने ज़रूर। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, उसके बाद बस ज़ियारत दिखाऊंगा। नमाज़ पढ़ते हुए मैं नहीं दिखा सकता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें नमाज़ मेरे और अल्लाह के बीच में, वो पढ़ेंगे उसके बाद ज़ियारत करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट जर्नी पे चलें। घर में तशरीफ़ लाए, कहने के फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा। उफ़ उफ़। फातिमा रोने लगी, फरमाया अमीरुल मोमिनीन खजाना तो भरा पड़ा है, एक दिरहम का भी तेरा हक नहीं है कि तू एक दिरहम लेके अंगूर खरीद ले। तो तड़प उठे फातिमा, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े हो? तो गाइस पीछे मेरा हरम है, मैं इधर बैठा हूँ, सुकून चेक करें आप बस। माशाल्लाह। गाजी आपके दोस्त होते हैं, उसने कहा था कि आप जैसे ही मदीना हो तो मुझे फ़ोन करना। बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। नहीं कोई बात नहीं, खैर हम आए, ज़्यारत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं उठाया फ़ोन, बंद सो रहा है बंदा। कोई बात नहीं, खैर हम मदीना आए, ज़्यारत कर ली, अब जा रहे बुरेदा। तो मेरे साथ रहना, ये व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, अब नेक्स्ट पार्ट बुरेदा में शुरू होगा। अपने ख्याल रखें, और ऐसे कमाया जाता है, आप ड्रोन से तस्वीरें खींचें, स्टॉक वीडियोस बनाएं, और किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें,
जो मेरी आखिरी लोकेशन होगी ना वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने 37,000 डॉलर कैसे कमाए। तो थैंक यू सो मच।